इस गाइड में हम बिंग एक्सचेंज पर बुल टोकन खरीदने की पूरी प्रक्रिया पेश करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर खरीदारी तक। स्टेप एक, एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन https.bingx.com वेबसाइट पर जाएं, ऊपरी दाएं कोने में लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करें, अपना ईमेल एड्रेस या अपनी पसंद का मोबाइल फोन दर्ज करें और एक पासवर्ड अधिकतम 8 अक्षर बनाएं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें, आपके ईमेल पर एक पुष्टिकरण कोड भेजा जाएगा, इसे अगली स्क्रीन पर दर्ज करें और रजिस्टर पर क्लिक करें। स्टेप दो, वेरिफिकेशन। इसके बाद एक्सचेंज आपसे वेरिफिकेशन पास करने के लिए कहेगा। वेरिफिकेशन पास करें बटन पर क्लिक करें। हमारे उद्देश्य के लिए बुनियादी वेरिफिकेशन पर्याप्त है। वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करके इस विकल्प का चयन करें, आवश्यक जानकारी दर्ज करें और समाप्त करें पर क्लिक करें। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन सफल होने का मैसेज दिखेगा। स्टेप तीन, अपने एक्सचेंज बैलेंस को टॉप अप करें। अब हमें एक्सचेंज बैलेंस को टॉप अप करने की आवश्यकता होगी। हमारे उदाहरण में हम USDT TRC 2.20 टोकन के साथ बैलेंस राशि को टॉप अप करेंगे। अपने बिंज एक्स अकाउंट में लॉग इन करें, मैन पेज पर संपत्ति पर क्लिक करें और डिपॉजिट सेक्शन पर जाएं। डिपॉजिट करने के लिए एक कॉइन चुनें, उदाहरण के लिए USDT। डिपॉजिट के लिए एक नेटवर्क चुनें, उदाहरण के लिए TRC 2.20। एड्रेस प्राप्त करें, USDT TRC 2.20 बटन पर क्लिक करें, अपना डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करें। उसके बाद किसी अन्य एक्सचेंज या वॉलेट पर जाएं जहां से आप USDT ट्रांसफर करने जा रहे हैं। संपत्तियों की निकासी सेक्शन पर जाएं और कॉपी किए गए बिंजेक्स डिपॉजिट एड्रेस को एड्रेस लाइन में पेस्ट करें। आप डिपॉजिट पेज पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जमा किया गया लेन देन देखेंगे। स्टेप चार, बुल टोकन की खरीद। बुल टोकन खरीदने के लिए टॉप मेनू में स्पॉट सेक्शन पर जाएं। आपको जो पेयर चाहिए उसे ढूंढने के लिए बाईं ओर करेंसी जोड़े पर क्लिक करें और खुलने वाले सर्च बार में बुल दर्ज करें। बुल USDT पेयर लॉट होगा, उस पर क्लिक करें। आप बुल को बाजार अर्थात वर्तमान मूल्य पर खरीद सकते हैं या वांछित मूल्य पर एक लिमिट ऑर्डर निर्धारित कर सकते हैं। मौजूदा कीमत पर बुल खरीदने के लिए मार्केट चुनें, लिमिट मूल्य पर खरीदने के लिए लिमिट चुनें। आप एक स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं जो आपको अपने ट्रेड को निष्पादित करने की लागत को नियंत्रित करने के लिए एक ही समय में स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस सेट करने की अनुमति देता है। वांछित ऑर्डर प्रकार का चयन करें, वह कीमत चुनें जिस पर आप बुल खरीदना चाहते हैं। लिमिट ऑर्डर के मामले में आप जितने टोकन खरीदना चाहते हैं और बुल खरीदें बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको पुष्टि करें बटन पर क्लिक करके ऑर्डर की पुष्टि करनी होगी। तैयार है, आपने बिंजेक्स एक्सचेंज पर बुल खरीदा। आप अपने अकाउंट में बुल टोकन की सटीक संख्या संपत्ति फंड अकाउंट सेक्शन में देख सकते हैं। स्टेप पांच, बुल की निकासी। अब टोकन को स्मार्ट वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। संपत्ति निकासी चुनें। टोकन निकासी से पहले एक्सचेंज आपसे अतिरिक्त वेरिफिकेशन मेथड को कनेक्ट करने के लिए कहेगा। गूगल ऑथेंटिकेटर, ईमेल या फोन, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो निर्दिष्ट किया है उसके आधार पर। तो आइए गूगल ऑथेंटिकेटर को कनेक्ट करके प्रारंभ करें। चालू करें बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए डाउनलोड QR कोड का उपयोग करके प्रोग्राम को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। आपको निम्न स्क्रीन पर जो कुंजी दिखाई देगी उसे कॉपी करें। अपने फोन पर प्रोग्राम खोलें। स्क्रीन के निचले दाएं कोने में प्लस आइकन पर क्लिक करें। सेटअप कुंजी दर्ज करें, विकल्प चुनें, अकाउंट का नाम, कॉलम में एक्सचेंज का नाम और कुंजी दर्ज करें। कॉलम में कुंजी दर्ज करें और ऐड करें बटन पर क्लिक करें। अब एक्सचेंज पर वापस लौटें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। कोड प्राप्त करें बटन पर क्लिक करके ईमेल द्वारा कोड का अनुरोध करें। प्राप्त कोड को दर्ज करें। नीचे दिए गए बॉक्स में गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन से कोड दर्ज करें और पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। तैयार है, आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू करके अपना अकाउंट सुरक्षित कर लिया है। अब संपत्ति निकासी पर वापस जाएं।
एक्सचेंज से टोकन भेजने के लिए आपको अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करना होगा। ऐसा करने के लिए स्मार्ट वॉलेट ऐप खोलें और बुल कार्ड पर टैप करें। आपको अपना वॉलेट एड्रेस दिखाई देगा, जिसे आप कॉपी सिंबल पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। एक्सचेंज पर लौटें, एक टोकन चुनें, एड्रेस दर्ज करें और निकासी की पुष्टि करें। अपने वॉलेट की जांच करें और खुलने वाली विंडो में कंफर्म बटन पर क्लिक करके निकासी की पुष्टि करें। ईमेल द्वारा कोड का अनुरोध करें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड दर्ज करें और पुष्टि करें पर क्लिक करें। तैयार है, आपका निकासी अनुरोध सबमिट कर दिया गया है। आप एड्रेस सेव करें, बटन पर क्लिक करके भविष्य की कार्रवाइयों के लिए एड्रेस सेव कर सकते हैं। एक बार ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाने पर आपको अपने वॉलेट में टोकन प्राप्त होंगे। कृपया ध्यान दें कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है, इसलिए हम एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करने से लेकर बुल टोकन खरीदने और निकासी तक हर तरह से आपके साथ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस निर्देश का अध्ययन करने के बाद आपके मन में प्रक्रिया के बारे में कोई सवाल नहीं होगा, और यदि आपके पास अभी भी सवाल हैं तो आप उन्हें कभी भी हमारी सपोर्ट सर्विस को भेज सकते हैं।